पारमार्थ निकेतन में 2 दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ से आए दंत चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, डिवाइन शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष साध्वी भगवती सरस्वती जी, डॉक्टर विवेक सिंह राणा MDS एंडोडांटिस्ट, डॉक्टर गुलशन MDS PGI, डॉक्टर रिद्धिमा जबाइक BDS ऋषि कुमार और परमार्थ निकेतन टीम में दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने युवा चिकित्सकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। भारतीय संस्कृति में सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सेवा परमो धर्मा, सेवा आत्मोद्वारक है। इससे जीवन में त्याग और समर्पण की भावना विकसित होती है। सेवा के माध्यम से ही सद्भावना और सद्व्यवहार में वृद्धि होती है। सेवा से आत्म संतुष्टि और आत्म शांति मिलती है। स्वामी जी ने कहा कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की एक अनिवार्य पहलू है दांतों की सुस्थता। बेहतर ओरल हाइजीन से आत्मविश्वास को बनाए रखा जा सकता है। हमारा मुंह हमारे समग्र स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ कहता है। ओरल हाइजीन उत्तम स्वास्थ्य की एक यात्रा है, इसलिए स्वच्छता की सकारात्मक आदतों को अपनाना और उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं उसका असर हमारे दांतों के स्वास्थ्य सहित संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वामी जी ने बताया कि हमें अपने भोजन में मोटे अनाज, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे बीन्स, साग, साबुन, अनाज और दही और दूध आदि का नियमित सेवन करना चाहिए। डॉक्टर विवेक सिंह राणा MDS एंडोडांटिस्ट ने बताया कि दिन में 2 बार उचित टूथब्रश करना और दैनिक फ्लॉसिंग के साथ एक स्वस्थ मुस्कान को बनाए रखा जा सकता है। दांतों की स्वच्छता के लिए आहार का समायोजन भी अत्यंत आवश्यक है। शराब और तंबाकू का उपयोग न करना, सीमित करना दांतों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। बेहतर ओरल हाइजीन के माध्यम से स्वस्थ दांत सुनिश्चित करने से समग्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी से जैसे दंत समस्या न केवल दांतों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक, गठिया और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनती हैं।